मुंबई के दहिसर पश्चिम कांदरपाड़ा के कोरोना सेंटर में मशीन में आग लग गई। समय पर मौजूद डॉक्टरों और नर्सों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए आग को बुझा दिया। स्टाफ नर्स अनुपमा तिवारी, काजल खनौजिया, डॉक्टर रवि यादव और वार्ड बॉय जतिन द्वारा अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर आग पर काबू पाया। शिवसेना उपनेता और महाड़ा सभापति विनोद घोसालकर, शिवसेना के विभाग अध्यक्ष विधायक विलास पोतनीस, स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षा प्रवीणा मोराजकर के हाथों नर्सों, डॉक्टर और कर्मचारियों की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए साल और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इसलिए तो हम लोग उनको अभिनंदन करने के लिए हमारी सारी टीम यहाँ आई है। हमारे मुंबई महानगर पालिका आरोग्य समिति की चेयरमैन है, हमारे आमदार है, हमारे प्रभाग समिति की अध्यक्ष है, इस विभाग की नगर सेविका है। तो आज कल जो शॉर्ट सर्किट के वजह से जो फायर लगी, जो आग लगी, और वहाँ के डॉक्टर वार्ड बॉय ने जो ये बताया कि तुरंत उसने थोड़ा फायर ब्रिगेड के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दिया था और वो उसका उपयोग करके तुरंत उसने कनेक्शन डिसकनेक्शन किया और पूरी कहाँ भी इधर उधर न करके पूरा किसी को भी पता नहीं चला वो लोग ने आग कभी बुझाई। इसलिए एक बहुत बड़ा एक कोविड सेंटर के ऊपर संकट आने वाला था, इन लोगों से ये संकट बच गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोविड काल में ये लोग जो ये डॉक्टर्स नर्सेस और वार्ड बॉय जो काम करते हैं वो भगवान का ही जैसा ही काम होता है उनका, और उसको वंदन करने के लिए हम पहुँचे हैं।